आयुष्मान कर दिया, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और क्या। बीजेपी जैसा झूठा पार्टी कोई है? बहरूपिया लोग सतर्क हो जाए, निशा दीदी आ गई है, तेज प्रताप यादव आ गए, दो मिनट में सुधार देंगे। इस तरफ लोगों का रुझान हुआ और पूरे तरीके से इंडिया महागठबंधन इस बार इंटैक्ट है और पार्टी सूत्र की महान जनता मन बना चुकी है कि अब अपना कैंडिडेट जो है भविष्यवाणी कर दिया, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और क्या। बीजेपी जैसा झूठा पार्टी कोई है? बीजेपी नीचे तक है, पटना तक उलूल जुलूल में रहती है। हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हर डंडा करवाते हैं लोगों को, केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। रामकृपाल यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है, क्योंकि माफियाओं की पार्टी है। कौन माफिया है, कौन क्या है, वो तो समय आ गया है ना, अब बताएंगे। बिहार की जो जनता है, लाखों करोड़ों जनता, वो बताएगी किसकी पार्टी है। इसलिए जहाँ जहाँ डुगडुगी लगे, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वो, उस समय जनता नकार रही है, उनको विरोध हो रहा है, कई जगह पंचायत में उनका विरोध भी हो रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो। निशा के बारे में बता रहे हैं कि वो आंसू बहा रही है, कौन आंसू बहाता है, कौन पैर पकड़ के भीड़ मांगता है, वो तो जनता जानती है ना। एकदम तय है जी, एकदम तय है। बहरूपिया लोग सतर्क हो जाएं, निशा दीदी आ गई हैं, तेज प्रताप यादव आ गए, दो मिनट में सुधार देंगे।